बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 और इसका लास्ट पार्ट 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है x2 - 1 डिवाइडेड बाय x2 + 2x + 1 मल्टीप्लाइड x + 5 डिवाइडेड बाय 1 - x। तो हमने देखना ये है कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, कोई वैल्यू सेम हो रही है, कोई सेम करने में कोई उसमें चेंज लाना चाह रहे हैं हम, तो सभी इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें x - 1 है, इसमें 1 - x है, तो इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अब देखते हैं फार्मूला, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फार्मूला हमने लर्न किया है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। दूसरा फार्मूला हमने लर्न किया है कि अगर हमारे पास हो a² + 2ab वैल्यू प्लस b² हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b² होल स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करते हुए अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। x2 - 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं ओवर x2 + 2x + 1 मल्टीप्लाइड x + 5 ओवर 1 - x। अब इसको मैं उसी शेप में लिखता हूँ, ये x² - 1 का स्क्वायर ओवर x² + 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड x + 5 ओवर -1 कॉमन ले लेता हूँ ताकि वैल्यू हमारे पास सेम आ जाए। अब ये रह जाएगा अंदर -1 + x आ जाए। अब सॉल्व करते हैं, ये x + 1 x - 1 ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड x + 5 ओवर माइनस, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1, अगर ना भी लिखें तो भी ठीक है, x - 1। अब स्टूडेंट ये x - 1 इससे रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, और ये x + 1 इसको कट कर देंगे तो इसकी पावर 1 रह जाएगी। ये आ जाएगा नीचे x + 1 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास आ गया x + 5। अब ये आ गया x + 5 ओवर, अब माइनस नीचे तो इसको साइन साइड पे लगा देते हैं x + 1। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।